अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद फराज़ खान। नाज़रीन, आज मैं लाहौर की मेन मार्केट में मौजूद हूं और यहां मैं लोगों से सवाल ये पूछूंगा कि क्या वो ड्राइविंग करते हुए म्यूज़िक सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो किस किस्म का म्यूज़िक सुनते हैं? क्योंकि लोग जो हैं अक्सर ड्राइविंग करते हुए सिर्फ गाड़ी नहीं बाइक चलाते हुए भी म्यूज़िक सुनते हैं, कवालियाँ सुनते हैं या फास्ट गाने सुनते हैं। उनका कहना ये होता है कि या तो अच्छा टाइम पास होता है इससे और मूड भी अच्छा रहता है ड्राइविंग में, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हैक्टिक होती है, इतना हैक्टिक हो जाता है कि बंदा वैसे ड्राइविंग करते करते थक जाता है। तो जो म्यूज़िक है वो एक किस्म का स्ट्रेस रिलीवर के तौर पर काम करता है। तो आइए मैं यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछता हूँ कि वो किस किस्म का म्यूज़िक सुनते हैं। जी, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, ये इनसे पूछते हैं कि ये गाड़ी चलाते हुए म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, मतलब कैसी फीलिंग आती है इनको म्यूज़िक सुनते हुए? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद सरवर। सरवर साहब, मुझे ये बताएं कि आप ड्राइव करते हुए गाने सुनते हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कितना ज़रूरी है म्यूज़िक को सुनना ड्राइविंग करते हुए? उससे बंदा एक्टिव रहता है म्यूज़िक सुनने से। मतलब आपको लगता है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो ड्राइविंग वैसे ही बड़ी हैक्टिक होती है, ऊपर से जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है तो बंदे का जो है ना टेम्परामेंट वो इतना, मतलब टेम्परामेंट इतना मजबूत नहीं रहता, तो उसके लिए जो म्यूज़िक होता है वो आपको थोड़ी सी ना रिलीफ देता है। वो म्यूज़िक से दरअसल ना रिलेटेड है कि आप किस किस्म का म्यूज़िक सुन रहे हैं। मैं ज़्यादातर सुनना FM पसंद करता हूँ, और FM 88.6 मैं ज़्यादातर सुनता हूँ। उससे मुझे ट्रैफिक की भी आगाही रहती है और दूसरा ये कि मैं फ्रेश भी रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़फ़र इकबाल। ज़फ़र इकबाल साहब, गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी, चलाता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं गाड़ी चलाते हुए आप म्यूज़िक सुनते हैं? सुनता हूँ। किस किस्म का सुनते हैं? मैं आबदा परवीन, नुसरत फ़तेह अली और ख़बरें। अच्छा, मुझे बताएं कि म्यूज़िक सुनना कितना ज़रूरी है गाड़ी चलाते हुए? आदमी एक्टिव रहता है और क्या, ज़रूरी इतना नहीं है, एक्टिव रहता है आदमी। मतलब अगर म्यूज़िक आप ना सुनो वैसे चलाते रहो तो बंदा थक जाता है ना? थक जाता है। वैसे भी थोड़ा हैक्टिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम होता है ड्राइविंग करना, ऊपर से लाहौर की ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, तो उसमें आप समझते हैं कि जो म्यूज़िक सुनते हैं उससे आप एक्टिव रहते हैं? हाँ जी। तो क्या हाल है आपका? सर, बाइक चलाते हुए गाने सुनते हैं आप? नाद सुनते हैं? सर, टाइम ही नहीं मिलता नाद नॉर्मल कुछ नहीं। बाइक चलाते हुए बंदा थक जाता है ना, बाइक चला चला के उसे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है। नहीं थकता, बाइक वेट करते हुए थकता है, चलाते हुए कहाँ थकना है? बाइक चलाते हुए नहीं थकता बंदा? अच्छा, मैं तो चलाता हूँ, मैं थक जाता हूँ। आप थक जाते हैं, हमारी तो अब रूटीन बन गई। अच्छा, आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो गाड़ी चलाते हुए ना वो हैंडफ्री लगा के गाने गुने सुनती है, तो मुझे बताएं कितना ज़रूरी होता है कोई ड्राइविंग करते हुए, चाहे गाड़ी हो या बाइक हो, तो ड्राइविंग करते हुए गाने सुनना कितना ज़रूरी है? गाने सुनना तो वैसे ही ज़रूरी नहीं है। नहीं, मतलब ज़रूरी ना सेंस के बंदा, के लोग कहते हैं ना कि यार गाड़ी चलाते जाते बंदा बोर हो जाता है या बाइक चलाते जाते बंदा बोर हो जाता है, अगर लंबा सफ़र करना हो तो फिर गाने सुनते हैं अपने मूड को सही रखने के लिए। तो आपने कभी ऐसा नहीं किया? नहीं नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कभी नहीं। वैसे म्यूज़िक सुनते हैं? नहीं, सुनता भी नहीं। सर, क्या नाम है आपका? तारिक जमान। तारिक जमान साहब, आप गाड़ी चला रहे हैं माशाल्लाह, मुझे ये बताएं कि आप गाड़ी चलाते हुए म्यूज़िक सुनते हैं? कतन नहीं सुनता। कतन नहीं सुनते? ना, किसी किस्म का म्यूज़िक पसंद ही नहीं? नॉट एट ऑल। अच्छा, गाड़ी के अलावा सुनते हैं? ना, कोई नात भी नहीं सुनते? कोई व्हाट्सएप पे आ जाए तो वो मैं तलावत और वो सुन लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नासिर महमूद। नासिर साहब, मुझे ये बताएं कि आप रिक्शा चलाते हुए गाने सुनते हैं? हाँ, बाया बाया टाइम दिल रोमांटिक हो जाता है, सुन भी लेते हैं। जब दिल रोमांटिक होता है? हाँ। इतनी ट्रैफिक में दिल रोमांटिक हो जाता है? नहीं, ज़्यादा ट्रैफिक में तो नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो जहन बोझ हुआ होता है कि किधर से किधर गुजर। किस किस्म के गाने सुनते हैं? सैड से। किस किस्म के? कौन पसंद है सिंगर? कौन पसंद है सिंगर? तो हमारा ये नदीम अब्बास हो गया। आता है कोई गाना उसका? तेरी वहाँ नहीं आता तो नहीं, वैसे थोड़ा सा, मगर वो जंगली दौर का है, वो पंजाबी दौर की है वो। कोई एक दो लाइनें आती हैं तो हमें सुनाए। गड्डी तू मंगवा दे तेल में भगवान, यार इधर यार बस। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया सुनने का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम फरीदी। मोहम्मद सलीम फरीदी साहब, आप रिक्शा चलाते हैं, मुझे ये बताएंगे रिक्शा चलाते हुए आप गाने सुनते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं सुनते? बस शौक ही नहीं है? नहीं शौक। किसी किस्म के भी म्यूज़िक नहीं, कवाली वगैरह किसी किस्म का नहीं? अच्छा, वैसे आप क्या समझते हैं कि गाना सुनना चाहिए ड्राइविंग करते हुए? सुनना चाहिए, सवारी जरी वो गाने के आरे लग जाती है, सवारी पूछ दस नहीं करेगी। तो आप सवारी को फिर गाने क्यों नहीं सुनाते अपनी सवारी को? वो चोर टेप निकाल लेते हैं ता नहीं सुनाते। नहीं तो आप हर टाइम रिक्शे में नहीं होते? हर टाइम जब भी खाना खाने चले जाते हैं या कोई चीज़ लेने जाते हैं वो बैटरी उतार लेते हैं या टेप उतार लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? एजाज। एजाज साहब, आप ड्राइविंग करते हैं? जी जी। गाड़ी या बाइक? गाड़ी।
अच्छा, आप गाड़ी चलाते हुए म्यूजिक सुनते हैं? हाँ, ये तो आम सी बात है, सुनते हैं बिल्कुल। किस तरह का म्यूजिक पसंद है आपको? यार मिक्स म्यूजिक कोई हो जाए, भंगड़ा हो जाए। क्लासिकल ही सुनते? क्लासिकल बच्चे हैं तो बच्चे क्लासिकल लाइक नहीं करते, तो वो है बीच में लेकिन वो सुनते नहीं है, कम ही सुनते हैं। जब आप अकेले ड्राइव कर रहे हो, मैं तब का पूछ रहा हूँ, जब आप अकेले ड्राइव कर रहे हो फिर किस किस्म का म्यूजिक? क्लासिक भी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। तो आपका जो फेवरेट वो सिंगर कौन सा है क्लासिक म्यूजिक में? मेरा वो फतेह अली खान का बेटा, वो जो भांजा है, राहत फतेह अली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस साहब, आप रिक्शा चलाते हैं, मुझे ये बताएं कि रिक्शा चलाते हुए म्यूजिक सुनते हैं आप? नहीं, म्यूजिक नहीं सुनता। किसी किस्म का भी नहीं सुनते? नहीं, मेरे पास इस वक्त लगा जरूर है लेकिन मैंने सब इसके ना वो कनेक्शन वगैरह काट दिए हुए हैं, कभी म्यूजिक सुना नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? बिलाल नजम। बिलाल नजम साहब, आप गाड़ी चलाते हुए म्यूजिक सुनते हैं? नहीं। अच्छा, गाड़ी चलाते हुए नहीं सुनते आप? नहीं। इसकी क्या वजह? घर वाले सुने थे। नहीं, घर वाले जब ना, अभी आपके साथ कोई भी नहीं है? नहीं, फिर नहीं, शौक ही नहीं इतना है, घर जाके सुनते हैं, वैसे नहीं, गाड़ी में नहीं सुनते? नहीं, गाड़ी में। अच्छा, वैसे आपके ख्याल में गाड़ी चलाते हुए म्यूजिक सुनना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं। क्यों? ध्यान इधर से उधर हो जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि गाड़ी चलाते हुए म्यूजिक ना सुनो तो बंदा बोर हो जाता है, वैसे ट्रैफिक ने इतना दिमाग खराब किया होता है। अपना तो नहीं होता, अपना सिस्टम ही अलग है। हाँ जी, सिस्टम अलग है। सर बहुत शुक्रिया बात करने का। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर बिलाल। बिलाल साहब, आप खुद ड्राइव करते हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, म्यूजिक किस तरह का सुनते हैं? म्यूजिक जॉली टाइप सा होना चाहिए, लाइक विच कैन चेंज द मूड, मूड के ऊपर डिपेंड करता है आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि म्यूजिक की चॉइस अलग अलग होती है, बंदा जब शहर में ड्राइव कर रहा होता है तब किसी और किस्म का म्यूजिक, जब मोटरवे पे होता है तब किसी और किस्म का म्यूजिक? ये तो इंसान के मूड पे डिपेंड करता है, शहर की बात नहीं होती, मूड की बात। ये होता है ना कि शहर में फासला कम होता है, बंदा कवाली टाइप नहीं सुन सकता, 20-25 मिनट की होती है। म्यूजिक जब मोटरवे पे होता है तब आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, तब सुन सकते हो। ऐसे ही है कि मतलब कि जब आप मोटरवे पे होते हैं तो आप एक कोई कवाली टाइप सा लगा लेता है बंदा, या यहाँ पे होता है तो एक शॉर्ट गाना जितनी भी देर के लिए चले उतना। तो आप म्यूजिक सुनते हैं अपना मूड मतलब उसको अच्छा रखने के लिए, या उसके अलावा भी उसकी भी उसकी वजह क्या? लाइक मेरा तो ये है कि मैं मूड के ऊपर डिपेंड करता है मेरा सारा सॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? लाल खान नाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ड्राइविंग करते हुए म्यूजिक सुनते हैं? नहीं, मैं नहीं सुनता। किसी किस्म का भी नहीं सुनते? अगर मोटर में हो तो कभी कभी कहते हैं क्वाली वगैरह सुन लो, मैं नहीं सुनता हूँ कि सो ना जाए, बाकी नहीं सुनता हूँ, ना मैं फ़ोन सुनता हूँ ना ये चीज़ें। वैसे म्यूजिक पसंद है? हैं मुझे, है जी। वैसे म्यूजिक पसंद है? नहीं, के पसंद है, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे क्या पसंद है। जवानी में पसंद था? जवानी में तो एक बात अलग है, मैंने कभी नहीं, जवानी में भी मैं 44 साल हो गए मुझे यही काम करते हुए, 44 साल मैंने कभी ये नहीं। मुझे वैसे बताएं कि गाड़ी चलाते हुए म्यूजिक सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? नहीं सुनना चाहिए। क्यों? अपने उस जहन में, ख्याल में रखो, आगे देखो, लोग कहते हैं देखो, ये नहीं कि पैरों में देखो, दूर तक जहाँ तक नजर पहुंचे वहाँ तक देखो इंशाल्लाह। लेकिन लोग कहते हैं कि टाइम पास हो जाता है, अच्छा मूड अच्छा रहता है, फजूल काम जो फजूल ही है। जी तो नाज़रीन, मैं आज लाहौर की मेन मार्केट में मौजूद था और यहाँ पर मैंने लोगों से पूछा कि वो ड्राइविंग करते हुए किस किस्म का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, ख्वाह वो बाइक चला रहे हों या वो रिक्शा चला रहे हों या वो गाड़ी चला रहे हों, किस किस्म का म्यूज़िक है जो उनके मूड को वो जो अच्छा रखता है। तो लोगों के जवाब आपने सुने हैं, आप भी अपनी राय देना मत भूलिएगा। ये था आज का पब्लिक ओपिनियन, अपने मेज़बान अहमद फराज़ खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।